हे गाइस, वेलकम टू मिस शेफ्स किचन विद ऑरेंज पास्ता। ये रेसिपी मुझसे दिस रेसिपी स्पेशली फॉर यू रियान डिसूजा। शी सब्सक्राइब टू मी एंड पुट इन द कमेंट दैट शी वांटेड दिस रेसिपी, सो आई एम मेकिंग दिस स्पेशली फॉर यू। सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स नाउ। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास है दो बड़े टमाटर की प्योरी, एक कैप्सिकम की प्योरी, हमारे पास एक कप व्हाइट सॉस है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास दो चम्मच मेयोनीज है और एक कप उबले हुए पास्ता है, मैक्रोनी भी है, आप और कोई पास्ता भी ले सकते हैं। मसाले में हमारे पास है एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक दो बड़े चम्मच चिली सॉस, दो बड़े चम्मच टमेटो केचप, तकरीबन 7 से 8 कलियां लहसुन की है, एक से डेढ़ छोटा चम्मच ओरेगानो है, दो छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स है और नमक स्वाद अनुसार। अब मैंने एक पैन में दो बड़े चम्मच बटर लिया हुआ है और मैंने इस गैस को स्लो रखा हुआ है। अब मैं हमारा गार्लिक इसके अंदर डालूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मैं टमाटर की पेस्ट डालने वाली हूँ। और इसे अच्छे से भूनूंगी जब तक टमाटर हमारे पक जाए और उसमें से तेल ना छूटे। उसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर आधे पक चुके हैं। अब मैं इसमें कैप्सिकम की जो पेस्ट है वो डालूंगी। आपको चाहिए तो आप इसमें चॉप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर और हमारे जो कैप्सिकम है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच जितना ओरेगानो डाल रही हूँ, फिर यहाँ पे 2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर है वो डालूंगी, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप है और यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये चिली सॉस है मेरे पास तकरीबन 2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी और इसे 2 मिनट और पकाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मेयोनीज 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच मेयोनीज ली है मैंने यहाँ, और इसे भी अच्छी तरह से मिला दूंगी इसके साथ। इसके बाद मैं यहाँ डालूंगी व्हाइट सॉस। ये मेरे पास 1 कप व्हाइट सॉस है। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं 1 कप व्हाइट सॉस डालूंगी इसके अंदर और इसे भी अच्छे से मिला दूंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी हो चुकी है, इसमें उबाल भी आ गया है। तो अब मैं डालूंगी मेरे पास्ता। और इसे भी अच्छी तरह से मिला दूंगी। आप चाहें तो मेयोनीज अगर आपको ना पसंद हो तो आप उसकी जगह चीज भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पास्ता रेडी है और मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया है। सो लाइक माय रेसिपी, प्लीज डू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल मिस शेफ किचन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक @ Miss Chef's Kitchen. I even have a blog @ Miss Chef's Kitchen, and you will find the recipe of the basic white sauce in the description below. Thank you.